आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम तक नहीं है सिद्धांत अग्निहोत्री स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है ये मुझे दोस्तों एक कमेंट आया था तो और ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं तो थैंक यू अंशु कैसे इंटरव्यूज को हैंडल करें देखो आ, मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ कि अगर इंटरव्यूज की बात करें तो इंटरव्यूज को एक पार्ट में नहीं बताया जा सकता इसके बहुत सारे पार्ट्स आएंगे तो आज मैं कुछ बेसिक्स आपको बताऊंगा फिर कुछ सवालों को लेंगे हम ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की सीरीज है तो सवालों को लेंगे कि जो इंटरव्यू में कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको कैसे हैंडल करें फिलहाल आज हम देखेंगे कि हाउ टू हैंडल इंटरव्यूज बेसिक्स है ध्यान दीजिएगा ये बेसिक है बस अभी इंटरव्यूज है भी अभी बहुत मेरे कुछ दोस्त हैं उनके आर के इंटरव्यूज हैं कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके भी आर के भी इंटरव्यूज अभी आईबीपीएसपी हो गया एसबीआई तो हर इंटरव्यू के लिए ये काम आएगा इंस्टा पर मुझे फॉलो करो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है ट्विटर पर भी फॉलो करो हर जगह फॉलो करो देखो इंटरव्यू की सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो आप जॉब करने जा रहे हो उसको पहले प्रॉपरली एग्जामिन करो इंटरव्यू है जैसे मैं आपको अपना एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं जब एम मैंने दो में किया तो मेरे कॉलेज में मैंने बीबीआई से किया यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ठीक है तो क्या था कि वहां पे एक एड छपका छिपका हुआ था मतलब रेडियो मिर्ची का एक रिक्रूटमेंट था तो हम लोग गए मैं और मेरे कुछ दोस्त हमने कहा चलो रेडियो मिर्ची में आरजे ही बन जाएंगे चलो तो वहां पे मैं हम लोग इंटरव्यू देने गए अब हम लोगों को कुछ भी नहीं पता था जॉब क्या है क्या करना है नथिंग बस ऐसे चले गए अब इंटरव्यू तो बहुत अच्छा हुआ लेकिन रिजेक्ट होके आ गए मैं बहुत खुश था कि मुझे कॉल आने वाला है लेकिन मैं रिजेक्ट होके इसलिए आया क्योंकि मुझे जॉब के बारे में नहीं पता था कि वो जॉब है क्या मैं बिल्कुल भी सर्च करके नहीं गया था तो बेटा सबसे जरूरी बात यह है कि जिस जॉब के लिए आप जा रहे हो आप उसको सर्च करो और ऐसे ही मेरे साथ बैंक के इंटरव्यू में भी हुआ था जब मैं बैंक का इंटरव्यू देने गया था तो सेम चीज हालांकि एक बैंक में मैं सेलेक्ट हो गया था बट वो जॉब मैंने नहीं की थी लेकिन सेम चीज मुझसे पूछी यही जब मैं मुझसे पूछा गया कि आप और कौन सी तो मैंने ऐसे ही बोल दिया मुझे पता तो कुछ था नहीं मैंने बोला मैं ट्रेजरी की जॉब लूंगा अब वो ट्रेजरी पूछने लगे तो मैं फंस गया तो हमेशा जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ कि जॉब है क्या और कितने डिपार्टमेंट्स हैं ये सब देख के जाओ मतलब जा तो तो करना ही पड़ेगा Usually जो रेशियो होता, होता है कि बीस परसेंट मार्क्स आपके इंटरव्यू के ही होते हैं लेकिन अगर, अगर प्राइवेट जॉब में हो तो, तो वो सारे हंड्रेड आपके इंटरव्यू के ही होंगे ये मैं सरकारी की बात कर रहा था किस्सी परसेंट आपके रिटर्न के और बीस परसेंट आपके इंटरव्यू के लेकिन इंटरव्यू हर जगह होता है प्राइवेट जॉब में जाओगे तो तो पूरे के पूरे मार्क्स आपको इंटरव्यू बेसिस पे मिलेंगे ओके कंपनी के बारे में रिसर्च कर लो अगर आप प्राइवेट में जा रहे हो तो कंपनी के बारे में भी देख लो कि कितनी बढ़िया है प्रोडक्ट और सर्विस कैसे हैं क्या कोई ऐसा तो आप नहीं कर रहे हो जैसे मुझे बहुत सारे कोलाब्रेशन के मेथड मैसेज आते हैं कि सर आपके चैनल पर हम कोलेबरेट करना चाहते हैं लेकिन मुझे नहीं पता कि वो प्रोडक्ट कैसा है मैं ऐसा कुछ भी अपने स्टूडेंट्स को नहीं बेचना चाहता जो गलत हो क्योंकि भैया पैसे लगते हैं ना इन सारी चीजों के लिए तो इसीलिए हमेशा जो प्रोडक्ट और सर्विस आप बेच रहे हो रोल आपका क्या है वर्क कल्चर कंपनी का कल्चर कैसा है ऐसा तो नहीं कि काफी टॉक्सिक है भैया ये भी देखना पैसे के चक्कर में या पोस्ट के चक्कर में भले ही आप चले जाओ लेकिन देखो अक्सर हम सरकारी सरकारी के पीछे भागते हैं लेकिन आप ये तो देखो कि जिस जॉब के लिए आप जा रहे हो क्या वो आपके लिए बनी है कि आप पैसे ही जा रहे हो कि बस आपने आपके परिवार ने आपको ट्रिगर कर दिया है या आपको जॉब नहीं मिल रही इसलिए आप जा रहे हो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक बार आप सरकारी निकाल लो और अगर आप उस जॉब में जाओ आप परेशान हो जाते हो आप छोड़ दोगे बहुत छोड़ोगे तो नहीं लेकिन बहुत परेशान हो जाते हो तो हमेशा कंपनी पर रिसर्च करो जैसे मेरा एक दोस्त है वो बैंक के पीछे पागल था कि जब भी जाता था तो बैंक एक एडल रश जो है वो उसके अंदर आ जाता था और अभी वो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे है। तो इसीलिए कंपनी कल्चर के बारे में जो आप जिस कंपनी में जा रहे हो क्या वो आपको सूट करेगी इसके बारे में पहले देख लो फिर उसके बाद बहुत देखिए इंटरव्यू है क्या इंटरव्यू है ना आपके अंदर तक झांकते हैं वो इंटरव्यू और इंटरव्यू में देखिए ये बहुत लोगों को ये भी लगता है कि इंटरव्यू में शायद आ, ऐसा होता है कि नॉलेज नहीं पूछी जाती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं अगर आप प्राइवेट जॉब में जाओगे ना तो तो आपको पूरा खोल के रख देंगे अगर आप आईटी कंपनी में जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो आप तो आप डेफिनेटली पहले आप एक्सपीरियंस लोगे फिर शिफ्ट मारोगे तो शिफ्ट मारने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है तो जो इंटरव्यू में है ना वही आधे एक घंटे में पढ़ाई पूछते हैं आपसे कि आपने पढ़ा क्या है देखिए प्राइवेट वाले थोड़े सतर्क रहते हैं जैसे मैं ही हूं मैं सतर्क रहूंगा ना क्योंकि देखिए हम सब प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं आप भी इसीलिए पढ़ रहे हो तो कि आपकी स्टेटस बढ़िया हो आप अच्छे पैसे कमाओ हो आपका लाइफ सुधरे तो अगर आपको पैसे कहा आप वो ऑर्गेनाइजेशन जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओगे वो आपको पैसे देगी तो अगर वो प्राइवेट है तो वो देखेगी ना कि मैं क्यों पैसे दू आप उनको उतना काम करके दो अब अगर आप उनके लिए एक एसेट हो तब तो बढ़िया है अब वो पता कैसे चलेगा वो इंटरव्यू के थ्रू तो ही पता चलता है इसीलिए नॉलेज बहुत जरूरी है अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है जिस फील्ड में आप हो एक्सपर्ट बन के जाओ उसके जितना हो सके अब देखिए हर चीज तो हम नहीं पढ़ सकते इंटरव्यू में इट इज वेरी वेरी कॉमन और इट इज नेचुरल कि आप कोई अगर आपसे सवाल पूछा गया नहीं आता तो बिल्कुल ना कह दीजिए ये बिल्कुल नेचुरल क्योंकि भैया इंटरव्यू कहीं से भी कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं तो इसीलिए अगर आपको कोई ऑनेस्टली एकदम ऑनेस्ट रहिए अपने इंटरव्यू में सबसे बेस्ट ये हो सकता है बनावटी होके मत जाइए जो है वो रहिए अब जो है वो है का इसका मतलब ये नहीं कि आप नुक्कड़ में बैठ के सुट्टा मारते तो उठा के वहां पे बोल रहे कि मैं सुट्टा मारता हूं नुक्कड़ ये सब नहीं बनावटी मतलब कि बेकार में कुछ कोई और पर्सनैलिटी आप प्रोजेक्ट ना करिए क्योंकि उनको पता रहता है उनको बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है तो इसीलिए कुछ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं जैसे आपकी देखिए क्वेश्चन हम क्वेश्चन के ऊपर अल, अल, अलग से लेक्चर लेंगे ठीक है कि जैसे कि आप अपने बारे में बताएं है ना आप अपनी वीकनेसेस के बारे में बताएं ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चन होता है जैसे यूपीएससी में आप जा रहे हो बोलेंगे कि आप इंजीनियर engineer, आपने इंजीनियरिंग छोड़ के आपने क्यों बीटेक ये यूपीएससी के लिए आ गए ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है ये सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि आप आप तो बढ़िया आप साइंस से हो आपने मुझसे जैसे बैंक में यही पूछा गया था कि आप तो बढ़िया एमएससी कर रहे थे लेकिन आप एमएससी छोड़ के इधर बैंकिंग में क्यों जा रहे हो तो मैंने सीधा सीधा बोला कि सर ऐसा है कि ठीक है मैं साइंस बैकग्राउंड से था लेकिन सर बैंकिंग जो है मुझे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है मुझे मुझे अभी एक स्टेबल जॉब चाहिए MSC में रिसर्च करनी पड़ेगी बहुत अच्छा है लेकिन सर अभी कुछ ऐसा प्रेशर है कि मुझे फिलहाल एक स्टेबिलिटी एक, एक चाहिए तो स्टेबिलिटी के लिए मुझे जॉब चाहिए फिर उसके बाद बैंकिंग सेक्टर ऐसा कि मैं बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकता हूं है ना तो आप इस तरीके से जवाब दीजिए कि उनको कन्विंसिंग लगे बनावटी मत दीजिए तो ये सब हालांकि इन सवालों पे हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे इसके एक जवाब नहीं इसके बहुत तरीके से जवाब है और गलत जवाब भी कई बार दिया जाता है जैसे वीकनेस को बताइए तो वीकनेस आपको ऐसे बताने की वो आपकी स्ट्रेंथ लगे समझ रहे हो अब जैसे आप बता दो कि मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है कि मैं हद से ज्यादा खुश रहता हूं यह आपकी वीकनेस है हाँ सर वीकनेस है मैं बहुत ज्यादा खुश रहता हूं मुझे अच्छा लगता है खुश रहना तो लोग नजर मार देते हैं एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आप वीकनेस अपनी ऐसी बताओ क्या वो आपकी स्ट्रेंथ की तरफ प्रतीत हो है ना ऐसा मत बता दो मुझे तो सर मेरी नशे की आदत है तो मैं शराब पीता हूं वो लगा नहीं शराब पिएगा तो फिर यहां क्या काम करेगा या मुझे बहुत बहुत गुस्सा आता है सर मैं मारने लग जाता हूं किसी को अरे बाप रे तो हमारी जॉब के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है ऐसे नहीं आपको शो करना है आप बोलेंगे सर ये तो कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है एक और चीज अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस कॉन्ट्रेडिक्ट मत करने लगना आपने पता चला कि अपनी स्ट्रेंथ में लिखा है कि मैं बहुत शांत रहता हूं और वीकनेस में लिख दिया कि मुझे बड़ा गुस्सा आता है तो तो कॉन्ट्राडिक्ट्री हो गया तो, तो तुरंत आपको रिजेक्ट कर देंगे लेकिन ये भी आप कह रहे सर आप बोल रहे कि बनावटी मत बनो लेकिन ऑन दी अदर एंड आप बोल रहे हो कि अगर आपकी कोई वीकनेस है वो मत बताओ तो वही तो मैं बोल रहा हूं कि आप ऑनेस्ट रहिए लेकिन जो आपकी देखिए ऑनेस्ट कहने का मतलब यह है कि जो आप काम करने जा रहे हो उस काम के लिए आपने मेहनत की है बाकी जो आप पर्सनल लाइफ में करो वो एक अलग चीज है उसको तो आपको छुपाना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत तो बनावटीपन थोड़ा बहुत तो डिप्लोमेटिक आपको होना पड़ेगा एकदम ऑनेस्ट हो जाओगे अगर इनफैक्ट इंटरव्यूअर भी आपसे इतना ऑनेस्ट हो गया तो आप शायद उस कंपनी में काम ही ना करो और उसमें सबसे अच्छा यह होता है कि आप गाइडेंस लो आपके अगल बगल बहुत आपके मम्मी पापा होंगे उनको काफी एक्सपीरियंस होगा आप अपने दोस्तों से बोलो कि मुझसे कुछ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन पूछो वो आपको करेक्ट करेंगे जितना ज्यादा डिस्कस करोगे उतना अच्छा होगा नहीं तो मॉक इंटरव्यूज दो मॉक इंटरव्यूज बहुत बढ़िया रहते हैं अगर आप हो सके तो जैसे आप, अब देखिए मॉक होता क्या है ना कि इंटरव्यू ये डिपेंड करता है आपका कॉन्फिडेंस कैसा है अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जैसे मैं कभी भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करके नहीं गया उसके बावजूद मैं सिलेक्ट होकर आ गया क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर अब बहुत लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं होता अपने ऊपर तो अगर आप वो एनालाइज करिए कि क्या है अगर देखिए इंटरव्यूज अब तो यूट्यूब पर भी बहुत सारे इंटरव्यूज अवेलेबल है आप वो भी जाके वो देख सकते हो आप हम सब हैं आपकी हेल्प करने के लिए मॉक इंटरव्यूज वैसे हमेशा हेल्प करते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बिल्कुल इंटरव्यू के लिए तैयार नहीं होते और जाके होतेक्ट किया जाता है और कुछ लोग बहुत इंटरव्यूज देते हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता तो ये सब ऑल डिपेंड्स ऑन योर योर कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज और जितना ज्यादा आप नॉलेजेबल होते जाएंगे उतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट होगे उसके बाद सबसे बेस्ट ये है कि अपनी स्किल्स डेवलप करो बॉडी लैंग्वेज जब आप घुसो तो ऐसा नहीं एकदम धड़धड़ाते हुए घुस गए मैं आई कमेन आराम से बिल्कुल शांत एकदम बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए आराम आराम से चलो जब तक वो बैठने को ना बोले ना बैठो एक मेरा दोस्त था वो कहता था पैर छू लेने चाहिए भैया ये सब मत करना पता चला सीधा पैर पे गिर गए वो एक्सपीरियंस है उनको पता है क्या पे सब क्यों कर रहे हो आप उनके कोई रिश्तेदार नहीं हो आप यहाँ ये सेलिंग है एक तरीके से आप अपने आप को बेच रहे हो वो आपको खरीद रहे हैं बस तो इतना समझो तो आप पैर वैर मत छूने लगना कि इंटरव्यू में गए पैर छू ले उठा के हो सकता है कुछ लोग इंप्रेस हो जाए लेकिन नाइन् लोग इंप्रेस नहीं होते मैं तो बिल्कुल इंप्रेस ना हो कि अगर मैं आपका इंटरव्यू कराओ मेरे पैर छू आके हाँ चलिए मैं इसलिए अच्छा लगेगा मुझे क्योंकि मैं एक टीचर हूं टीचर तो चलो ठीक है लेकिन अगर आपका कोई कॉर्पोरेट कोई बॉस हूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा तो इसीलिए एक प्रोफेशनलिज्म हमेशा बरकरार रखें आप वहां पे काम करने जा रहे हो और अपनी बॉडी लैंग्वेज अच्छी करें जितना हो सके बोलने पर प्रैक्टिस करें अब कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव करना है उस पर भी मैंने एक लेक्चर बनाया लेकिन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे जैसे एक महीने का तो टाइम मिलता ही है या हो सकता है कुछ इंटरव्यूज बहुत ही रैंडम होते हैं लेकिन आप उसकी तैयारी तो पहले से ही कर रहे हो ना तो ये चीज है और, और भी बहुत सारे टिप्स हैं जैसे आप इसमें क्या कर सकते हो कि जो आप पहले कर रहे थे जैसे कुछ लोग बहुत कुछ कोई जॉब करके छोड़ के आते हैं कुछ लोग पढ़ाई करके तो बहुत सारे सवाल बन जाते हैं देखो इंटरव्यू में क्या होता है ना कि इंटरव्यू आप अपनी तरफ मोड़ सकते हो कि नहीं ये बड़ा डिपेंड करता है अब अगर आप अपने कंफर्ट जोन में इंटरव्यू को ले गए तो आपका काम बन गया लेकिन कई बार क्या होता है कि इंटरव्यू में कुछ भी पूछा जाता है आप सब कुछ छोड़ते जाते हो कि मुझे नहीं पता हाँ सर, एक लाइन वन लाइन आंसर तो इंटरव्यूअर भी बोलता है अब शुरुआत तो यही से होती है कि आप अपने बारे में कुछ बताओ आपने पूरा रिज्यूम रिज्यूम बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया बहुत अच्छे से हॉबीज से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं ठीक है तो हॉबीज के बारे में सर्च करो उस पर क्या क्या सवाल बन सकते हैं आप जहां से आए हो उसके बारे में पता होने चाहिए आपकी डेट क्या है उस उस साल क्या हुआ वो सब पता होना चाहिए कोई स्पेशल दिन हो वो सब पता होना चाहिए ठीक है अपनी जगह के बारे में बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं और देखिए ये सब नहीं पूछा जाता है कि आप सीढ़ी चढ़ के आए हो कितनी सीढ़ी थी पेपर में हाँ ये जरूर पूछा पूछा जाता है कि आज का आपने पेपर पढ़ा तो क्या था क्योंकि वो एक टेस्ट करते हैं कि आपकी आदत है कि नहीं है आपकी शर्ट के बटन कितने हैं ये सब देखिए ये सब नहीं पूछा जाता ये सब कोई आपको आप

एक सिचुएशन देंगे टास्क देंगे एक्शन रिजल्ट क्या आएगा वो सब देखो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया होगा ट्रैवल अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है जैसे मान लो कि आपका इंटरव्यू कल है और जैसे भी आर का इंटरव्यू है तो मेरा एक स्टूडेंट है उसका इंटरव्यू है को और वो जा रहा है अट्ठाईस को मतलब अट्ठाईस की सुबह पहुंचेगा तो मैंने ये देखिए ये चीज़ बड़ी खतरनाक होती है ये आप ऐसा मत करो ठीक है उसकी तो कुछ मजबूरी है इसलिए उसको जाना पड़ रहा है लेकिन कभी भी इंटरव्यू एक दो घंटे पहले ही आप पहुंच जाओ ताकि थोड़ा सा आपको टाइम मिल जाए आराम से उस क्योंकि देखिए इंटरव्यू के लिए हर कोई नर्वस होता है एंड इट इज नॉर्मल टू बी नर्वस ठीक है आपको डरने की जरूरत नहीं है नॉर्मल है लेकिन जब आप जा रहे हो तो आप इतना ध्यान रखो कि आप वहां पर यूज टू हो जाओ थोड़ा सा ध्यान रखो कि जितने लोग आए सब डरे हुए हैं और इंटरव्यू जो है ना देखिए ये तो आपको देना ही पड़ेगा हर जगह आपको इंटरव्यू देना है तो वैसे तो टेक्निकली आपको डरना ही नहीं चाहिए क्योंकि अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है तो आपको इंटरव्यू देना ही पड़ेगा तो कोशिश करो कि जल्दी पहुंचो अगर आपका दूसरे शहर में इंटरव्यू तो एक दिन पहले पहुंच जाओ ठीक है ताकि थोड़ा यूज हो जाओ एकदम से पहुंचोगे एकदम से सुबह सुबह पहुंचे तीन घंटे बाद इंटरव्यू पता चला ट्रेन लेट हो गई बस लेट हो गई और प्रॉब्लम बड़ा खतरनाक ये कंडीशन हो सकती है ठीक है तो इसीलिए थोड़ा लोकेशन के बारे में बहुत लोग सेंटर एक दिन पहले चले जाते हैं बढ़िया है सही है एक तरीके से सेंटर का एक एक दिन पहले सेंटर जाना तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है देखो एक दिन जिस दिन इंटरव्यू वाला जिस दिन इंटरव्यू देने जाओगे उस दिन टेंशन तो नहीं रहेगी और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेल योरसेल्फ सेल्फ जो भी आपको आता है प्रोफेशनल स्किल्स एवरीथिंग सब बता दो अपने आपको बेच डालो क्यों आप इस जॉब के लिए परफेक्ट हो आपने क्या क्या किया इससे पहले आपका क्या एक्सपीरियंस है एवरीथिंग जो भी आपने तैयारी की है मैंने बताया हाँ मैं ये बोल रहा था कि इंटरव्यू को अपनी तरफ मोड़ दो देखो इंटरव्यू को अपनी तरफ मोड़ना पहले पे ही आपसे अपने बारे में कुछ बताइए ठीक है आपका नाम है इस मतलब क्या है तो वहां से अगर आप इंटरव्यू को आगे ले गए और अगर इंटरव्यू इंटरव्यूअर को लग गया कि बेटा इंटरेस्टिंग हो तुम अगर तुम्हारा इंटरव्यू देर तक चल गया पंद्रह बीस मिनट इसका मतलब वो आप में बहुत इंटरेस्टेड है और अगर वो आठ नौ मिनट में आपको भगा रहे हैं नहीं होगा सिलेक्शन तो अपने आप को बेचो सेल करो इंटरव्यू को थोड़ा इंटरेस्टिंग हद से ज्यादा मुस्कुराना नहीं है ऐसा नहीं कि वहां पर मजाकिया हो तो एकदम गए मजाक करने लगे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट ये सब नहीं करना है हल्की सी स्माइल स्माइल रखो बहुत ज्यादा नहीं करनी है लेकिन इंटरव्यू को कोशिश करो कि अपनी तरफ मोड़ो अब ये जो मैंने बेसिक्स बताए हैं हम इनको बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे सवाल के जवाब कैसे आपको देने वो भी डिस्कस करेंगे ये फिलहाल बेसिक्स था अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो इतना तो करके जाओ तो ये लेक्चर था और अब आने वाले समय में हम और सवालों को डिस्कस करेंगे जो इंटरव्यू में कॉमन मोस्ट कॉमन जो सवाल पूछे जाते हैं खुश रहिए पड़ते रहोत्री सैनिकों